एफर्ट है, लेकिन उनका जो मैंने बोला है कि उनका जो बॉलर है उसका नाम मुझे नहीं आ रहा, जो फास्ट बॉलर है, चार विकेट लिए उसने, भुवनेश्वर कुमार, हाँ वही वही वो, उसने जिसने चार बैट्समैन हमारे आउट किए हैं, वो ऊपर गेंद लेके आ रहा था, वो हार्दिक पांड्या मेरा ख्याल नाम उसका नाम है। नहीं, मैच हारने में गम कोई नहीं है, हमारे खिलाड़ी अच्छा खेले हैं, बस ऐसे ही लड़के खेलने, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। मैच अच्छा हुआ, मैच बहुत अच्छा हुआ, मज़ा आया देखने का। मसलन एक तो लग रहा, स्कोर को देखते हुए लग रहा था कि वन साइडेड मैच होगा, लेकिन पाकिस्तान टीम ने ख़ास तौर पे नसीम शाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उनके खिलाड़ी हमारे खिलाड़ियों से बेहतर हैं, वो तजर्बाकार ज़्यादा हैं। पाकिस्तान अच्छा खेल के हारा है, इसमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्रिकेट है, क्रिकेट वो भी खेलने आए हैं, हम लोग भी खेलते हैं, अच्छा खेल के आ रहे हैं। जीत बेशक, क्या जीता, ये जीत क्या हुई, इतने कम स्कोरों में क्या हाल उनका हो गया। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, ये नहीं कि बुरा खेला, बॉलिंग भी अच्छी की है, लेकिन शहीन शाह अफरीदी की वजह से थोड़ी सी टीम लूज थी। कोई बात नहीं, बीट कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मज़ा बहुत आया, इनकी टीम भी अच्छी है, बहुत अच्छा खेलती है, ये नहीं कि। हेलो गाइस, मैं उसास एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड रियल रिएक्शन। आज इस टॉपिक पर हम अपने आवाम का रिव्यू लेने जा रहे हैं। जारी बात है, रात पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, जो कि एशिया कप का सबसे बड़ा टाकरा समझा जाता था, और एक रवायती हरीफ एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे थे, तो उसमें इंडिया ने बीट किया पाकिस्तान को। जब मैंने व्लॉग बनाया मैच से पहले, तो 100% लोगों ने यही कहा था कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा, तो पाकिस्तान अब हार चुका है। अब पूछते हैं अपने आवाम से, अब उनका क्या रिव्यू है, क्यों आ रहा, क्या कमियां कुताहियां हुई, और इंडिया ने क्या अच्छा, किस तरह अच्छा खेला, और क्या उन्होंने ऐसे स्टेप्स लिए जिनके मैच जीता। तो चलते हैं अपने आवाम की तरफ, उनका लेते हैं इस बात पर आवाम का रिव्यू। क्या नाम सर आपका? आकब जवेद है। तो सर, क्वेश्चन आज का मेरा ये है कि जब मैंने मैच से पहले इंटरव्यू लिया था, तो उसका 100% लोगों ने यही कहा था कि पाकिस्तान ही जीतेगा, तो आप पाकिस्तान हार के, आपको क्या लगता है कि ये किस तरह की शिकस्त है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, ये नहीं कि बुरा खेला, बॉलिंग भी अच्छी की है, लेकिन शहीन शाह अफरीदी की वजह से थोड़ी सी टीम लूज थी, लेकिन हार जीत तो होती है ना, एक घर ने तो हारना होता है, लेकिन इन्हें चाहिए कि आइंदा मतलब मजीद ट्राई करें और शहीन शाह अफरीदी को जल्द लाने की। तो आप इंडिया के जो बॉलर्स हैं या प्लेयर्स हैं, उनमें कौन सा आपको लगता है जिसकी वजह से वो इंडिया मैच जीता, और पाकिस्तान में कौन सा लूज खेला जिसकी वजह से आपको लगता है पाकिस्तान मैच आ रहा है? पाकिस्तान मैच आ रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने कोहली का कैच छोड़ा था उसकी वजह से, कोहली, विराट कोहली का। हाँ जी। तो इंडिया की तरफ से आपको कौन लगता है कौन है मैन ऑफ द मैच, आप किसको मैन ऑफ द मैच करार देते हैं? जी, सारे ही अच्छे खेले हैं, ये नहीं कि मतलब है उनका कोई भी, सारे ने बेहतरीन खेला है, उनकी बॉलिंग भी अच्छी थी। ने क्या गलतियां की हैं, आपको क्या लगता है? गलती नहीं, माशाल्लाह खेलने से तो पता चलता है ना, पाकिस्तान ने अच्छा खेला है। बाबर आजम, क्योंकि सभी को उस पर उम्मीदें थी, तो वो जल्दी आउट हो गया, जिसकी वजह देख ले। मैं अक्सर कहता था कि बड़े जो प्लेयर हैं वो बड़े मैचों में खेलते हैं, तो विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म था, लेकिन पाकिस्तान खिलाफ वो अच्छा खेल गया। नहीं, उनके तो उसे चांस मिल गया ना, जिसकी वजह से वो अच्छा खेला, लेकिन उसके अच्छा खेलने के इतने इम्कान नहीं थे, अगर वो पहले ओवर में आउट हो जाता तो उसकी वजह से उन्होंने मतलब प्रेशर। आप पाकिस्तान की टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे कि उनको अब क्या करना चाहिए, या हिम्मत हार देनी चाहिए, या हिम्मत करनी चाहिए, या मजीद अच्छा खेल पेश करना चाहिए? नहीं, उन्हें मजीद अच्छा खेल पेश करना है, हिम्मत हारने वाली बात नहीं है, आगे मजीद खेलना चाहिए। हिम्मत तो वो लोग हारते हैं जिनके पास आगे बेबस हो जाते हैं। तो इंडिया के लिए क्या आप कहना चाहेंगे, इंडिया की टीम के लिए? इंडिया की टीम भी अच्छी है, बहुत अच्छा खेलती है, ये नहीं। आपको क्या लगता है कौन सी टीम नज़र आ रही है आपको, आपके हिसाब के मुताबिक एशिया कप जीतती हुई? जीतती, अगर शहीन शाह अफरीदी जल्द ठीक हो जाए तो पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। ये तो इंडिया के मैच के से पहले भी हम कहते थे कि पाकिस्तान ही जीतेगा। यार, एक मैच हारने से तो क्या होता है, मतलब अभी बहुत मैच पड़े हैं, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। अफजल अहमद जी, तो सर आपने रात को मैच देखा पाकिस्तान और इंडिया का, और इंडिया ने बीट कर दिया पाकिस्तान को, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई बात नहीं, बीट कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन मज़ा बहुत आया, गेम अच्छी हुई है, बहुत अच्छी गेम हुई है, बहुत पाकिस्तान लड़कों ने बहुत फाइट की है, और बड़ा ही मज़ा आया मैच देखने का। आपके मुताबिक कितने रन कम हुए हैं, पाकिस्तान टीम को कितना हदफ देना चाहिए था इंडिया को? तकरीबन 85 होने चाहिए थे, 185 के लगभग होने चाहिए थे, कम हदफ दिया गया, कम हदफ दिया है। जिस तरह उनकी बैटिंग लाइनअप उसके लिहाज से कम था, कम था। बाबर आजम जल्दी आउट हो गया, जिस वजह से प्रॉब्लम हो गई, बाबर होता तो कोई मसला ही नहीं था। नहीं, हम सिर्फ एक ही प्लेयर पर क्यों सारी उम्मीदें लगा कर बैठे रहते हैं? नहीं, सब प्लेयरों ने किया है, सब ने फाइट की है, अपनी अपनी जगह तकरीबन सब ने फाइट की है,
थोड़े से स्कोरों में भी अब देखें बॉलर हमारी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। मैंने देखा कि जिस मैच में बाबर आजम खेला है वो अक्सर पाकिस्तान विन करता है, और जिस मैच में बाबर आजम नहीं खेला वो ही पाकिस्तान मैच हार जाता है, इसकी क्या वजह है? बस लक है। बाबर आजम माशाल्लाह बहुत अच्छा प्लेयर है, जब बैठ जाता है फिर ऐसे ऐसे स्ट्रोक उसने खेले, एक दो स्ट्रोक खेले हैं जल्दी आउट हो गया बस। तो आप इंडिया की टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मैंने जब व्लॉग बनाया था ये मैच से पहले तो 100% हमारी आवाम ने ये कहा था कि इंडिया से तुम हारेगे ही नहीं ऐसे था, इंडिया अपने आप को बहुत समझती है, हम ये हैं वो हैं। अभी तो जीत गया ना, जीत बेशक क्या जीता, ये जीत क्या हुई, इतने कम स्कोरों में क्या हाल उनका हो गया, ये कोई जीत है? जीत तो एक रन से भी जीते हैं, एक विकेट से भी जीते हैं, जीत तो जीत होती है। सही बात है आपकी, लेकिन समझता क्या इंडिया अपने को, हम ये हैं वो हैं क्या क्या कुछ करता रहता है। लेकिन हमारी पाकिस्तानी आवाम का रिव्यू तो यही था कि हम बहुत तकड़े, हम बीट कर देंगे पाकिस्तान को। बिल्कुल, स्कोर बहुत कम, क्यों बीट हुआ, स्कोर थोड़ा सा कम हो गया, स्कोर ज़्यादा होता तो और मज़ा आना था। अभी इतने स्कोर में भी आप देखें ना, थोड़े से स्कोर में भी उन्होंने कितनी फाइट की। पाकिस्तानी टीम में आप किसको समझते हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छा जिसने खेल पेश किया, और इंडिया की टीम में जिसको आप समझते हैं कि मैन ऑफ द मैच है? वो तो एक बंदा बन ही गया मैन ऑफ द मैच जो इंडिया का था, हार्दिक पांड्या। हाँ जी बिल्कुल, और उसने अच्छा खेल खेला है वैसे। उधर भी अभी जिसप्रीत बुमराह नहीं था, उनकी बॉलिंग लाइनअप भी अभी पूरी तरह ठीक नहीं थी। हाँ नहीं ठीक नहीं थी, वो पूरे कन्फ्यूज हो हुए थे, देखें से उनका हाल क्या था। अब पाकिस्तानी टीम को नेक्स्ट क्या करना चाहिए कि ताकि वो अपनी जो कामयाबियाँ समेट सकें नेक्स्ट मैचेस में? इंशाल्लाह पाकिस्तानी नेक्स्ट टीम सारे मैच जीतेगी इंशाल्लाह। आपके क्यों क्या लगता है कि जो एशिया कप है आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? पाकिस्तान जीतेगी इंशाल्लाह। देख लेना पहला मैच हार गई है, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगी। मैच हारने का क्या सुख रहा है, जो पहले हारते हैं वो जीत, इंशाल्लाह जीतेगी पाकिस्तान, एशिया कप लेके आएगी। क्या नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद मनीर है। तो सर क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान रात को हार गया इंडिया से, और एक ये ऐसा मुकाबला जिसका पूरा मुल्क है बड़ी बेसब्री से इंतजार करता है, क्योंकि मैच और भी होते हैं लेकिन पाकिस्तान इंडिया का मैच बड़े जोश खरोश से देखा जाता है। जी देखिए मैच लोगों ने बड़े शौक से देखा, बड़ी स्क्रीनें लगा के देखा, हमने भी देखा है, तो मैच ठीक है पाकिस्तान हार गया लेकिन लड़के हार है, फाइट की है, लेकिन हमें एक बॉलर की कमी महसूस हुई है, जो शाहिनशाह अफरीदी प्ले नहीं किया उसने, उसकी वजह से हमें थोड़ी बॉलिंग में डिस्टर्बेंस रही है। हारफ की जो सेकेंड लास्ट ओवर थी उसमें उसने स्कोर ज़्यादा ले जो खा गया, उसकी वजह से मसला ख़राब हो गया, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मैच जीतेंगे। तो सर हम सिर्फ एक बॉलर या एक बैट्समैन देखने का, जब बाबर आजम खेलता है तो हम समझते हैं कि हमारी टीम जीतेगी, और जब वो एक मैच जो भी नहीं खेलता तो हमारा जो हदफ होता है जो बहुत थोड़ा बनाते हैं हमारे प्लेयर्स, क्या वजह? नहीं स्कोर बेशक 20 रन कम इन्होंने बनाए हैं, लेकिन जो है कि फाइट बैक अच्छा किया उनको भी, आखिर देख रहे हैं तीन सिर्फ बॉल रह गए थे जब उन्होंने किया था ये, तो हमारे वो आखिर में हारा सर उसने थोड़ा सा ज़्यादा रन खा लिया, वरना मैच बड़ा अच्छा टफ हो गया था उनके लिए भी, तो क्योंकि उनकी बैटिंग। आप इंडिया के प्लेयर्स में से किस क्रेडिट दें जिसकी वजह से ये इंडिया मैच जीता? जी इंडिया का जो एक बॉलर है उसने जो 4 आउट किए हैं उसने, वो इसका मेन रीज़न बनी है पाकिस्तान को कम स्कोर पे लाने के, उसने जो फास्ट बॉलिंग की है तो उसकी वजह से थोड़ा। अच्छा सर एक इधर और ये भी क्वेश्चन होता है कि जब हम देखते हैं हमारे पाकिस्तान में अक्सर देखा जाता है कि इंडिया में जो सिख भाई हैं या जो उनकी मिनोरिटीज़ हैं उनको कूक नहीं दिया जाता, लेकिन रात को जब मैंने मैच देखा तो उसमें एक अर्शदीप सिंह सिख बॉलर थे, फास्ट बॉलर अटैकिंग करवाया, तो अब इसके बारे में आपको क्या लगता है कि वाकई में वो सही मतलब कि पूरे हकूक दे रहे हैं मिनोरिटीज़ को, वो देखें इंटरनेशनल अपने खिलाड़ी भी लेकर आए हैं सिख को लेकर आए हैं? जी बिल्कुल दे रहे हैं, उसमें आप देखें पीछे पाकिस्तानी मुसलमान जो प्लेयर थे उनमें इरफान पठान रहा है, अजहरुद्दीन रहा है, और भी इंडिया में देखें, इंडिया में की बात कर रहा हूँ ना, इंडिया में रहे हैं वो दे रहे हैं, हमारे भी ऐसे ही होना चाहिए, जो प्लेयर अच्छा है मिनोरिटी से है किसी चीज़ से भी है, हिंदू है सिख है कोई भी है, उसको आना चाहिए आगे, जैसे उनके भी आ रहे हैं तो ये एफर्ट है, लेकिन उनका जो मैंने बोला है कि उनका जो बॉलर है उसका नाम मुझे नहीं आ रहा, जो फास्ट बॉलर है 4 विकेट्स लिए हैं उसने, भुवनेश्वर कुमार, हाँ वही उसने जिसने 4 बैट्समैन हमारे आउट किए हैं, वो ऊपर गेंद लेके आ रहा था, वो हार्दिक पांड्या मेरा ख्याल नाम उसका नाम है, उसकी वजह से हमारा स्कोर ज़्यादा नहीं गया, वरना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम 200 स्कोर तो होना चाहिए था, पाकिस्तान का स्कोर कम हो गया, चलो 20-30 भी होता तो बड़ा फ़र्क पड़ जाना था। अब नेक्स्ट पाकिस्तान की टीम को क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है एशिया कप आपको
क्योंकि आप पाकिस्तान टीम तो पहला मैच ही आ रही है, आप क्या लगता है कौन सी टीम नजर आ रही है कि एशिया कप जीतेगी? इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, सिर्फ ये है कि इनको ये करना चाहिए, इनके जो फास्ट बॉलर्स हैं पाकिस्तान के, थोड़ी सी ना इनकी फिटनेस की प्रॉब्लम आ रही है। कल आप देखें तो हमारे जो कीपर साहब हैं, कैप्टन साहब, उनकी भी फिटनेस का थोड़ा आया है। पाकिस्तान अच्छा खेल के हारा है, इसमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्रिकेट है, क्रिकेट वो भी खेलने आए हैं, हम लोग भी खेलते हैं, अच्छा खेल के आ रहे हैं। तो आपको क्या नज़र आ रहा है जो एशिया कप है, पाकिस्तान देखें तो पहला मैच हार गया, इंडिया पहला मैच जीत गया है और अफगानिस्तान की टीम भी बहुत अच्छा खेल परफॉर्म कर रही है, आपको क्या लगता है एशिया कप कौन सी टीम जीतेगी? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, हमने कम से कम 20-25 रन कम किए हैं, जो जिसकी वजह से ऊपर से जो हारिस रऊफ ने सेकंड लास्ट ओवर किया है उसमें जो 14 रन उसको पड़े हैं ना, वो मेन बॉलर था, उसको इतने ज़्यादा रन नहीं देने चाहिए, मैक्सिमम 7-8 पे कर देता ना ख़त्म तो फिर अच्छा था, लेकिन मेन जो 20-25 हमने रन कम किए ना वो हमारा है मेन। तो आप पाकिस्तान की टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और इंडिया की टीम जो रात को जीती है हमसे उनके बारे में कोई पैगाम, पाकिस्तान की टीम के बारे में और इंडिया के बारे में? बस ऐसे ही लड़के खेलने, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। मैच अच्छा हुआ? मैच बहुत अच्छा हुआ, मज़ा आया देखने का। मसलन एक तो लग रहा स्कोर को देखते हुए लग रहा था कि वन साइडेड मैच होगा, लेकिन पाकिस्तान टीम ने खास तौर पे नसीम शाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और अच्छा कम बैक किया, इन्होंने इतने कम स्कोर पे जो लास्ट ओवर तक मैच लेके गए हैं वो बहुत अच्छा। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान विन कर जाएगा। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही था, वही वो मैच अपने हाथ में था, लेकिन मेन चीज़ थी कि उनके पास विकेटें पड़ी हुई थी, वो दोनों बैट्समैन थे पांड्या और वो जडेजा, तो जडेजा तो मैच विनिंग नहीं है लेकिन वो पांड्या मैच विनिंग प्लेयर है। तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी भी अपनी टीम के साथ ही हैं, हम अपनी टीम को ही सपोर्ट करेंगे, हमें बेसिकली हमने अच्छी क्रिकेट देखनी होती है, वो क्रिकेट मुझे रात अच्छी नज़र आई है, वो ये चीज़ नहीं है कि वो हार गए हैं तो कोई बात नहीं, हार जीत तो खेल का हिस्सा, वो भी खेलने आए, हम लोग भी खेलने गए हैं, तो इस चीज़ नहीं, हमने सिर्फ अच्छी क्रिकेट देखनी है, वो अपनी टीम रात अच्छा खेली है। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम जी मोहम्मद असलम। तो सर रात को पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ और पाकिस्तान रात को हार गया, इसके बारे में आपको कितना गम है, क्या लगता है आपको कि क्या कमी कुताही हुई हमसे? नहीं मैच हारने में गम कोई नहीं है, हमारे खिलाड़ी अच्छा खेले हैं, 20 ओवर तक अपने मैच खेला गया है, 147 रन उन्होंने बनाए हैं, अपने अच्छे खिलाड़ी खेले हैं, आउट हो जाना किसी भी खिलाड़ी का अपना वो हो जाते हैं, किसी गेंद पे भी हो जाते हैं। नहीं आप क्या कमियां नज़र आई पाकिस्तान टीम में, और आप क्योंकि दूसरी जितनी भी टीम से हम हारते हैं तो हमें इतना ज़्यादा रंज नहीं होता, अब तक क्या वजह है, और इंडिया से जब हारते हैं तो अक्सर मैंने देखा है कि गमो गुस्सा पाया जाता है हमारी आवाम में। जो इंडिया वाले जो पाकिस्तान वाले हैं एक ही नस्ल के लोग हैं, हम मुसलमान हैं, वो अपने वो हिंदू हैं, सिख भाई हैं, मुसलमान भी हैं उनमें अपने, बात आ जाती है वो 1.25 अरब की आबादी में से 11 खिलाड़ी खेलते हैं, हम 22 करोड़ की आबादी से अपने 11 खिलाड़ी लेते हैं, उनके खिलाड़ी हमारे खिलाड़ियों से बेहतर हैं, वो तजर्बाकार ज़्यादा हैं। हाँ जी वो तो सर एक इस पर एक ये क्वेश्चन भी मेरा बनता है कि इंडिया में कहा जाता है कि जो मिनॉरिटीज़ को हकूक नहीं दिए जाते, मिनॉरिटीज़ का मतलब हकूक तलफी होती है, लेकिन मैंने रात को देखा कि उनके इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने एक सिख भाई को खिलाया जिसका नाम था अर्शदीप सिंह, इसके बारे में फिर आपका क्या अभिप्राय है? नहीं अपने ऐसा नहीं है, वो सारे हिंदुस्तानी हैं, ठीक है ना जी, सिख हो मुसलमान हो, हमारे लड़के पहले जो मुसलमान थे वो खेले हैं ना, इरफान पठान है, ज़हीर खान है, वो खेले हैं, बड़े अच्छा खेलते रहे हैं, वो अपनी अपनी खेल पूरा करके। तो सर फिर ये देखने का जो हम फिर समझते हैं कुछ मिनॉरिटीज को कूकने का कूकना होता है तो फिर उनका मेन टीम है सबसे बड़ी अपना मानी जाती है टीम क्रिकेट की टीम, उसमें वो अपने सिख भाइयों को और सिख को लेकर आए टैलेंट की बुनियाद पर। हाँ टैलेंट की बुनियाद पर लेके आए ना अपने, लेकिन ये तो होता है फिर ये प्रोपेगेंडा गलत है, ये हमारी सोच गलत है। जो अपने टीम का कप्तान होता है ना, कोच होता है, उसका बड़ा अमल दखल होता है टीम में। अब आपको क्या नज़र आ रहा है कि जो एशिया कप है कौन सी टीम आपको जीतती नज़र आती है? टीमें सारी बेहतर हैं, वो देखिए ना जैसे जो पहला मैच हुआ है वो श्रीलंका हार गया अफगानिस्तान से, ये ताकत का खेल नहीं है, टेक्निक का खेल है, बस कई दफ़ा तुक्का भी लग जाता है अपने, हमारे शाह साहब खड़े हैं ना कहते हैं इंडिया का तुक्का लग गया, तुक्का लग गया कहते हैं अपने खिलाड़ी साढ़े भी। आपको क्या लगता है? मैं तो जो टीवी पे देखा है बातें कर रहा हूँ, मैं इसका माहिर नहीं हूँ अपने।
नहीं, तुक्के से आपको लगता है वो जीते हैं कि उन्होंने मेहनत की है, वो उन्होंने अच्छा खेल परफॉर्म किया? नहीं, अच्छा खेल ही होता है ना, अपने हमारे खिलाड़ियों ने अपने दो तीन अपने जो फील्ड के ना अपने कैच मिस कर दिए, वो जो मिस कर गए ना वही इनके गले पड़ गए हैं अपने हार की वजह से। तो सर एक और इशू है कि पाकिस्तान के जो देखें फास्ट बॉलर पहले शाहीन शाह अफरीदी फिटनेस की वजह से वो अनफिट बैठे हैं, अब जो मैच के दौरान ही अपने नसीम शाह थे उनको भी फिटनेस की वजह से जो लास्ट ओवर में एक सिक्स रन लगा था जडेजा ने जो मारा था, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को अभी फिटनेस की ज़रूरत है, फिटनेस पर काम करना चाहिए? मैं अपने नेशनल लेवल पे कबड्डी के ना दो मैच खेले हैं, मैंने नेशनल लेवल पे कबड्डी के दो मैच खेले हैं, इंडिया की टीम साहब खेड़ा हूँ जब ज़िया उल हक की हुकूमत थी। ये जो अपने खिलाड़ी हैं जो पट्ठा चढ़ जाना ना अपने जो चढ़ जाते हैं अपने हैं जब मुकाबले की टीम होती है ना पसीने आते हैं, हाँ जी। लेकिन जो आपने बात की है जो कोच और मैनेजर होता है ना उसकी मर्जी बहुत होती है, अभी मैं फलाने खिलाड़ी को आगे ले गया हूँ। जासिर शाह खरा खिलाड़ी है, नौजवान है, अपने पट्ठा चढ़ जाना कोई नसीम शाह, हाँ नसीम शाह अच्छा खिलाड़ी है, सारे नए लड़के हैं, बाबर अच्छा परफॉर्म किया, कप्तान अच्छा है, दूसरे नंबर पे जो जिसने तरताली की उसका नाम क्या है, रिजवान अपने वो टीम को साथ ले कर चला, उनको वो जो तबसरे करते हैं ना हमारे अपने वो टाकरा में, मैं बातें सुनी थी उनकी, वो कहते थे हमारे लिए ना वो अपने काफ़ी हमें मुश्किल में डालेगा, वही अच्छा खेला। आप लगता है पाकिस्तान अच्छा खेल परफॉर्म किया है? अच्छा किया है, मज़ा आया गेम का, 22 ओवर तक गया मैच, अपने 20 ओवर तक गया मैच, अब 20 ओवर ही होते हैं। नहीं खेल कर रात को फिर मज़ा आया? नहीं मज़ा बिल्कुल आया, मज़ा इन्होंने अपने चांस जो ना दो तीन चार ज़ाया कर दिए हैं वो इनको पीछे ले गया, नहीं तो अपने जो कैच कर लेते तो बेहतर था। हाँ जी।